इमरजेंसी लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में उठाया गया एक कदम था। जब इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगाया तो सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस में भी जिन नेताओं ने इंदिरा के फैसलों का विरोध किया उनको भी जेल का दरवाजा दिखा दिया गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पीलू मोदी, बीजू पटनायक, नानाजी देशमुख, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, ये एक अंतहीन सी सूची है जिन्हें इमरजेंसी लगाते समय तुरंत जेल में डाल दिया गया था। लेकिन लोगों को तब अजीब लगा जब उसी रात चंद्रशेखर और रामधन जैसे नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चंद्रशेखर और रामधन दोनों ही कांग्रेस के नेता थे, यानी विरोध का एक शब्द भी तत्कालीन सरकार को सुनना गवारा नहीं था, यानी असहमति के लिए कोई जगह ही नहीं थी, चाहे वो अपने ही दल के नेता क्यों ना हो। मैंने कांग्रेस तब छोड़ी थी जब उसके नेता इंदिरा गांधी थी, और गुजराल जी आप जानते हो किन परिस्थितियों में छोड़ी थी। 1975 के इमरजेंसी के दिन विरोधी पार्टियों को निर्णय करना था कि क्या करें, उनके लिए एक ही रास्ता था जेल जाएं, मेरे लिए दो रास्ते थे, मैं भारत सरकार में जाऊं या जेल में जाऊं। मैंने जेल में जाना स्वीकार किया था। गुजराल जी आप याद रखिए, मैंने सरकार में जाना नहीं स्वीकार किया था, आप भी मेरे पास आए। उस दौरान कई नेताओं या उनके परिजनों के साथ बदसलूकी की कई घटनाएं हुई। बेंगलुरु में जॉर्ज फर्नांडिस के भाई लॉरेंस को इतना पीटा गया कि वो सालों तक सीधा खड़े नहीं हो पाए। उसी तरह इमरजेंसी का विरोध करने वाले तमाम लोगों की हड्डियां तोड़ दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।